एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है। प्रीति वारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल, यूनिक है बट बहुत प्यारा लगेगा। आप चाहो तो इसको आप साड़ी पे, गाउन ड्रेस पे, लहंगे पे और ब्राइडल, सबसे अच्छी बात इसको ब्राइडल बन के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। ब्राइडल पे भी बहुत प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल। और सबसे अच्छी बात की ये बहुत ईजी है, कोई भी बना सकता है। जिसको बिल्कुल हेयर स्टाइल नहीं आता वो भी अपनी ब्राइडल्स पे या फिर गाउन ड्रेस पे, साड़ी पे, शादी पार्टी में आप इस तरीके का बन बना सकते हो। तो कैसे बनाया है मैंने, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा फाइनल लुक देखने के लिए। बहुत ही प्यारा बन बना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है सिलाई कोर्स, जिसपे मैं अमेजिंग ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। और सिलाई कोर्स के बारे में, जैसे सिलाई से रिलेटेड बारीकियाँ आप लोगों को समझाती हूँ कि कंधा क्यों गिरता है, हारमोन्स बड़े क्यों हो जाते हैं, झोल क्यों आता है हारमोन्स में, सब कुछ आपको डिटेल में उस चैनल पे मिल जाएगा देखने को। तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा और एक से एक डिजाइनर ड्रेस भी देखने को मिलेगा। और हाँ, इंस्टा आईडी प्रीति वाई 24। चलिए ज़्यादा बातें ना करें, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल मैंने ये वाला हेयर स्टाइल बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल है और ओपन हेयर स्टाइल, हेयर में आप ये वाला हेयर स्टाइल बनाओगे गर्ल्स, छोटी बच्चियों पे या फिर गर्ल्स पे, कॉलेज गर्ल्स पे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो कल मैंने इसको ओपन करने के लिए नहीं बताया था, तो वो भी बता दे रही हूँ कि कैसे आप इसको इजीली ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका पॉइंट खुला हुआ है उसको पकड़ के बस ऐसे खींचो, बड़ा आराम से निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपके बाल फंसेंगे या फिर उलझेंगे, कुछ भी नहीं, बहुत ईजिली आपका रबड़ निकल जाएगा। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से, और जहाँ पे आपका छोटा सा लेयर बचा वहाँ से इस तरीके से निकाल कर निकाल सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से सारे रबड़ को निकाल लेती हूँ और आज का हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत सुंदर सा मैं आज आप लोगों को जलेबी बन हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा पूरा। और बहुत सारी अमेजिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको हेयर स्टाइल देखना है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। ओके, तो जलेबी बन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेनी है बालों की, इस तरीके से दोनों साइड से ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे। पार्टिंग करने के बाद से आगे के बालों को आगे की तरफ ही छोड़ देंगे। ओके, फ्रंट वाले बालों में आप चाहो तो इधर क्लचर लगा सकते हो ताकि आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने क्लचर लगा के आगे वाले बालों को छोड़ दिया है। अभी आपको बैक वाले बालों में अच्छे से कॉम्बिंग कर देनी है, बैक वाले बालों को अच्छे से बुझा देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा एकदम जो आपका क्राउन एरिया होता है यहाँ से आपको थोड़ा सा हेयर लेना है इस तरीके से। तो क्राउन एरिया से मैं इस तरीके से थोड़ा सा हेयर ले ली हूँ और इसको अच्छे से ट्विस्ट करना है। ओके, इस तरीके से ट्विस्ट करना है, पूरे हेयर को अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है ऐसे ही, ऐसे लपेटना है, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना है, इसको अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है, एकदम सेंटर में रहना चाहिए। उसके बाद से आपको यू पिन से इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। ओके, तो इतना लगाने के बाद से फिर से जो आपका फ्रंट वाला हेयर था उसको ओपन करेंगे और थोड़े थोड़े लेयर्स लेके इसके ऊपर इस तरीके से लगाते जाएंगे। जैसे इतना लेयर मैंने ले लिया और इसको कॉम कर लेंगे, कॉम करके ट्विस्ट करेंगे, पूरे लेयर्स को ट्विस्ट कर लीजिए अच्छे से और फिर बन के चारों तरफ इस तरीके से लपेटते जाइए और यू पिन से इसको सेट करते जाइए। इस वाले हेयर स्टाइल में आपको यू पिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो यू पिन थोड़ा ले लीजिएगा आप अच्छे से। ओके, तो ये हमारा बन गया। अभी दूसरी साइड से हमको ऐसे ही लेयर लेना है, जितने भी लेयर आप उठा रहे हो उसको अच्छे से कॉम कर लीजिएगा,
ये वाला हेयर स्टाइल आप ब्राइडल पे भी कर सकते हो, अगर आप सिंपल सा हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो तो इस तरीके से आप ब्राइडल को हेयर स्टाइल दे सकते हो। ट्विस्ट करके और इसको लपेटते जाएंगे इस तरीके से, और रूटीन से साथ साथ में रूटीन से सेट करते जाइए अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रखना है हेयर स्टाइल। तो फिर से यहाँ से लेयर लेंगे फ्रंट से, अच्छे से कॉम करेंगे, इस वाले लेयर को ऊपर की तरफ से लेके जाइएगा इस तरीके से। ओके, और लपेटते हुए यू पिन से सेट कर देंगे। इसी तरीके से पतला पतला लेयर लेके जाना है, ज़्यादा चौड़ा लेयर नहीं लेना है यहाँ पे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हेयर उठाएंगे। बालों को कॉम करना बहुत ज़रूरी है, कॉम करते हो तो बाल के जो भी हेयर स्टाइल आप बना रहे हो उसका लुक अच्छा आता है। ओके, दूसरी साइड से भी इस तरीके से कॉम करके और ट्विस्ट करते हुए इसको लपेट देना है अच्छे से। पूरा ही जितना बड़ा आपको हेयर स्टाइल बनाना है उस हिसाब से आप लपेटते जाओगे और बन बनाते जाओगे। और इसी तरीके से जितना बड़ा आपको ये जलेबी बन चाहिए उतना आप चाहो तो इतने पे भी रोक सकते हो, और ये आपका इस तरीके का लुक आ जाएगा। बैक से कुछ इस तरीके का रहेगा और फ्रंट से इस टाइप का रहेगा। ओके, तो दोनों साइड से इस तरीके का लुक आ रहा है। और आप ब्राइडल का बना रहे हो, बन बनाना है आपको, तो सिंपली आप इसको थोड़े थोड़े लेयर्स लेके और पूरा इसके ऊपर लपेटते जाओगे। मैं पूरा बना के दिखा देती हूँ आपको। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी स्कैल्प दिख रहा है वो ना दिखे। बालों में कॉम करना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हो आपको अच्छे से बालों को सुलझाना है। बिना सुलझाए आप हेयर स्टाइल करते हो तो वो प्रोफेशनल की तरह नहीं लगता है और सुंदर नहीं दिखता है इसीलिए। और जो आपके बेबी हेयर वगैरह दिखते हैं तो उसके लिए आप कोई भी हेयर स्प्रे यूज कर सकते हो। तो लग रहा है ये जलेबी की तरह, जलेबी बन हेयर स्टाइल, जलेबी। इसमें दो हेयर स्टाइल हो गए, एक तो हाफ बना सकते हो और एक चाहो तो फुल बना सकते हो। जैसे हाफ ओपन रहेगा हेयर इसका फाइनल लुक मैं जल्दी जल्दी इसको बना देती हूँ और फिर इसका फाइनल लुक आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ से मैं वीडियो फास्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए अभी आप चाहो तो इसको टू पार्ट में डिवाइड करो, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पतला पतला लेयर नहीं बनाना है तो इसको अच्छे से ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला कि स्कैल्प नहीं दिखना चाहिए।
आप अपने हिसाब से जितना भी आपको चाहिए उतना आप यूटेंस लगा लीजिएगा। जहाँ भी आपको लग रहा है कि और ये केस लगाने हैं आप लगा लीजिए अच्छे से। तो ये लग रहा है ना बिल्कुल जलेबी बन की तरह हेयर स्टाइल, वाह। और फ्रंट से इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। तो ब्यूटीफुल जलेबी बन हेयर स्टाइल। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी यूनिक और ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल देखने के लिए। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको यू पिन से सॉरी ये स्टोन वाले पिन से सजा सकते हो। तो ये है जलेबी बन का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोस सबसे पहले और यूनिक हेयर स्टाइल देखने के लिए। आप लोगों को ये हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो और है ना इसी तरीका कैसा लगा आप लोगों को हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इंस्टा आईडी और दूसरे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल आपको देखनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट करते हैं। बाय।